सरप्राइज जेट एयरलाइंस। अर्चना जी, यकीन नहीं हो रहा है, फाइनली हम बाली जा रहे हैं विथ माय वेरी डियर जूली 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 जूली। वैसे जूली, तुमने ध्यान से देखा ना, यहाँ पर आसपास किसी ने हमें साथ में आते हुए देखा तो नहीं ना? पर यहाँ पे तो लोग कपिल को देखने आते हैं। हवाई जहाज अब तक उड़ा नहीं है और तुमने उड़ना शुरू कर दिया। जरा कायदे में रहो, फायदे में रहोगी, वरना सबसे कम टाइम में यहाँ से एग्जिट मारने वाली सबसे पहली महिला कलाकार होगी तुम। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लीजिए, ये यहाँ पहला आदमी है जिसे हमसे डिस्टर्बेंस हो रही है। जरूर किसी दूसरे चैनल का आदमी होगा। आवाज नीचे रखे बात कीजिए। और हम इसी चैनल के हैं, समझे? इसी चैनल के आदमी हो जी। देखो यार, अगर इसी चैनल के आदमी हो तो हमने अगर तुम्हें इसी चैनल की औरत ना बना दिया ना, तो हमारा नाम भी द कपिल शर्मा शो नहीं। पर आपका नाम तो बच्चा है ना? नहीं नहीं, वो नाम कौन जानता है, कौन देखता है यार। जो नाम देखा जाता है उसी का नाम लेंगे ना। वैसे तुमको सच बताए, हमने तो अपने बच्चे के स्कूल में भी नाम के जगह पे लिखवाया है सन ऑफ द कपिल शर्मा शो सीधा। क्या फिर तो उसके नंबर की जगह टीआरपी आती होगी। देखो यार, तुम हमसे ज्यादा ऑडियंस को हंसाने की कोशिश ना करो, वरना इनसिक्योरिटी के चलते हम तुम्हें यहाँ से बाहर कर देंगे। ठीक है। ना 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 ना, तुम भी इनसे ज्यादा हंसने की कोशिश ना करो, वरना हम तो सिर्फ बाहर करते हैं, ये गायब कर देती है। अनुभाई बैठो यार, तुम अपना पढ़ो, जो पढ़ना है तुम इधर आओ यार। हैव ए सीट, हैव ए सीट, आओ बैठो। हेलो हेलो, हाँ नीनी, मैं एक हफ्ते तक बिजी हूँ। वो क्या है ना, मैं मनाली जा रही हूँ। हाँ। ये तो हमारी साली है, हमको छुपाओ छुपाओ छुपाओ, हमको छुपाओ। अरे बंटी, तुम्हें पता है मैंने जीजू और दीदी को 2 मिनट में बेवकूफ बनाया बोल के कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हाँ। सुन, पत्ते कैरी किए ना? परफेक्ट, ठीक है, ओके बाय। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी है। एक्सक्यूज मी जीजू, आप यहाँ? कौन जीजू, हम तो मोंटी हैं, मोंटी। अरे देखिए, शायद आपको पता नहीं है, इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, इसके लिए आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, देखिए दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग एक ही बदन में सिर्फ आप ही हो सकते हैं। सो जीजू उर्फ बच्चा यादव, दीदी को पता है आप यहाँ फ्लाइट में है कि मैं बताऊं? देखो देखो, तुम भी अपने जॉब का नाम लेकर जुआ खेलने जा रही हो, हम बताएं तुम्हारी दीदी को? टिट फॉर टैट, हम भी बता देंगे। बेबी, ये कौन है? बेबी? एक्सक्यूज मी, घर में 11-11 बेबी बाबा करने के बाद बाहर ये बेबी बेबी खेल रहे हैं? कौन बेबी, कैसी बेबी, हम तो इसको जानते तक नहीं है। क्या? ये जो है ये अपना हमारे साथ नहीं है, ये इन भाई साहब के साथ है, इनके साथ है ये। और तुम भी कोई जगह देके बैठ जाओ ना भूरी। आप तो मेरी सीट पे बैठे, मैं कहाँ बैठूं? एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ बैठ जाइए, हम साथ में बैठ के पढ़ लेंगे। देखो बेटा, जिस स्कूल में तुम स्टूडेंट हो ना, वहाँ मैं मुर्गा बनती हूँ। मुर्गा बनती हूँ। How are you? Hi, मुर्गा बनती यही बोलना चाहती है ना? Hi, how are you? सपना? हाँ? तू यहाँ? हाँ? कैसे? मैं तो चिल्क मारने के लिए आई हूँ, गोवा जा रही हूँ मैं। एक मिनट, तुम गोवा जा रही हो? हाँ। हम बाली जा रहे हैं, ये मनाली जा रही है, तुम गोवा जा रही हो, एक ही प्लेन में सब लोग अलग अलग जगह कैसे जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ए होस्टेस को बुलाओ। ए होस्टेस, ए होस्टेस। हम हैं जिले लाही। अर्ज किया है? वाह, लॉकडाउन में कुछ औरतों की निकल आई थी मूछें। लॉकडाउन में कुछ औरतों की निकल आई थी मूछें। मर्द सोच रहे थे अब दारू के लिए किसको पूछें। मर्दों को आदत सी पड़ गई है कपड़े और बर्तन धोने की। मर्दों को आदत सी पड़ गई है कपड़े और बर्तन धोने की। सोनी साहब की गोद में एक शेर अर्ज करती हूँ। गोद में नहीं, किसी के सामने शेर अर्ज होता है, किसी की नजरों में शेर अर्ज होता है। हे लोमड़ियों की देवता। हाँ,
अर्ज किया है? इशाद अर्चना को बुलाया है, परमीत को बचाया है। अर्चना को बुलाया है, परमीत को बचाया है। कुछ लालची मर्दों ने खुद को औरत बनाया है। ये समझती खुद को ग्लैमरस, ये समझती खुद को ग्लैमरस, लेकिन है ये गुड़िया जादू टोने की। एक्सक्यूज मी सर, मैडम, ये हमने एयर होस्टेस को बुलाया था। हाय अल्लाह, पपीते में स्ट्रॉ कौन लगाता है? हम आपको एयर होस्टेस नहीं लग रहे जलीला है। नहीं, अगर नहीं लग रहे तो उतार के फेंक दो हमारा कढ़ाई वाला कुर्ता, उतार के फेंक दो हमारी सलवार। नहीं नहीं, खबरदार जीजू, अगर इनके कुर्ते को हाथ लगाया तो मैं दीदी को बोल दूंगी, फिर दीदी ना आपकी धोती को फाड़ के ना इसका रुमाल बना देगी। हाय टिड्डी आपा, करवा दीजिए ना इनकी धोती का रुमाल, हम उसको अपने सीने से लगा के रखेंगे। देखिए, अगर आपको रुमाल की जरूरत है हम बाजार से लाके दे देंगे आपको। ऐसे रुमाल अगर दुकानों से मिलते तो हम आपके गोदाम का दरवाजा नहीं खटखटाते। पापा, सॉरी आपा, आप ना एयर होस्टेस, आप सीट बेल्ट लगवाओ, घूमके मत लगाओ। सुनिए बड़े मुंह वाली आपा, जिनके खुद के फ्लैट ठुमकों के बलबूते बने हो, वो दूसरों के ठुमकों पे संदेह नहीं करते। देखिए मैडम, आप प्लीज बताइए कि ये एक फ्लाइट बाली, गोवा, मनाली कैसे जा सकती है? जब एक ही चैनल पे क्राइम पेट्रोल, इंडियन आइडल, द कपिल शर्मा शो आ सकते हैं, तो एक ही फ्लाइट अलग अलग जगह पे क्यों नहीं जा सकती? ऐसा क्या ये क्या बात हुई? ये एयरलाइन है कि अलादीन का चिराग है, कि घिसेंगे तो जिन निकलेगा और जिसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगा। हाय तौबा। जीजू, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। गड़बड़ गड़बड़ कर रहे थे, आ गया गड़बड़। कुली कुली कुली, किसका बोझा उठाना है? देखिए फिलहाल तो हम सब आपका बोझा उठा रहे हैं। अर्चना जी, लाइन बिल्कुल ठीक है, आई गलत मुंह से। अर्चना जी, जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बस एक बार ये मुंह पक्का हो जाए शो में। एक मिनट, जहाज में कुली कैसे आ सकता है? अगर कुली ठाकुर हो तो कहीं भी आ सकता है। ऐसे ही नहीं आ सकता है, सोनी साहब से परमिशन लेके आया है। अच्छा, सोनी साहब ने तो हमसे कहा था ठाकुर कहीं भी दिखाई दे तो उसके आगे के दो द्वार तोड़ देना, उसके पीछे के दो द्वार भी तोड़ देना। वाओ, आपके बाजू में ये बिल्ला बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके बाजू में जो बागड़ बिल्ला है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बागड़ बिल्ला किसको बोले? चूहे, चूहे। निकलो यहाँ से वरना कुतर देंगे तुमको, अब तो तुम निकलो बस। अरे, और एक ये फ्लाइट के अंदर कुली कैसे आ सकता है, ये कौन सा लॉजिक है? अरे लॉजिक किससे मांग रहे रे तू? ये जो फ्लाइट है ना, ये कॉमेडी सर्कस से उड़ा के हम लोग लेकर आए ले इधर। बात कर रही है। मैं भी खड़ी हूँ। हाँ, और शुक्र करो तुम भी इस फ्लाइट में चढ़ गई, वरना तुम्हारी हालत ना आपातकालीन स्थिति जैसी हो जानी थी। क्यों पड़े हो तुम मेरे पीछे? क्योंकि तुम ही मेरे बराबर की हो, बाकी सब आगे निकल गए। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या पढ़ रहे तू? मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ। कुछ भी पढ़ रहे? इधर सोनी टीवी के करोड़ों रुपए लगे, तू कुछ भी पढ़ रहा है? ए चल तू सुना, सुना चल तू सुना, चल सुना सुना, तेरे को कुछ बोल रहे तो साथ सुना 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 सुना। हाय गरीबों के जैकी चैन, ये क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी पढ़ा हूँ। हाँ मुझे पता है, तू वैसे इधर आउट ऑफ सिलेबस घूम रहा है। मैं अर्चना जी बता रही, बिना पढ़ाई लिखाई के मैं किसी को भी अंदर रहने नहीं देगी। अच्छा, और तू क्या पढ़ रहे रे? सुना मेरे को, सुना तू सुना, ये दे, ये ले, ये तू पढ़, ये तू पढ़, दोनों का भी सुनाने का है मेरे को। अगर नहीं सुनाए ना तो मुर्गी बना के तुम लोग का आमलेट निकालेगी मैं इधर। आमलेट थोड़ी निकलता, अंडा निकलता है। नहीं, तेरा तो आमलेट निकलेगा, वो भी कांदे के साथ में, तेरे को तो बताएगी मैं। ठीक है, जा चल जा, मैं याद करके आता हूँ। तो हाजरीन, विमान की कमान को हाथ में लेते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ। तो इस जहाज में एक एयर होस्टेस है जो अपनी सेवा में हाजिर है। So cute. एक मिनट, हमारी सेवा में होना चाहिए, अपनी क्यों? हट।
ऊंचाई से हमको डर लगता है, इसलिए ऊपर जाके मैं अपना ही ध्यान रखूंगी। विमान में हवा के दबाव कम होने पर आपको मूली के पराठे मिलेंगे। हैं? मूली के? एक मास्क देते हैं, मूली के पराठों का क्या होगा? हवा का दबाव बराबर हो जाएगा। देखिए, हम बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं, सिम्टम्स को नहीं। सबसे पहले बताओ ये है कौन, जड़ है कि सिम्टम है? ये हमारी बीमारी की वैक्सीन है। जिल्ले लाही, हमें अपने प्यार में सैनिटाइज कर दीजिए ना। करेंगे करेंगे, आप सबसे पहले अपना हाथ धोइए, 15 सेकंड तक लगातार हाथ धोइए, वो भी पूरी तरह से मल मल के। हाथ तो हम मल मल के धो लेंगे, लेकिन हमारी पीठ थोड़ा मल दीजिएगा, हमारा हाथ जाता नहीं है। क्या कह रही हैं आप, और लपेट क्या तू धोती? अब धोती लपेट के आएंगे ना क्या, चादर लपेट के आ जाएंगे क्या? चादर लपेट, दादर लपेट, चाहे फादर लपेट, ये तेरा बांद्रा नहीं छोड़ने वाली है। अच्छा तुम्हें क्या कह रही थी ना, तू कह मत, तू सुन, देख कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। सही सही एकदम सही। तू क्या हंस रहे, तू क्या हंस रहे, चल 90 का टेबल सुना। हाँ मैं हिंदी की किताब पढ़ रहा हूँ। हाँ तो 90 का सुना, चल। अरे अरे सपना इतना क्यों भड़क रही है, क्या हो गया? जिनके ख्वाब पेंट कोट के हों और वो घूम पेटीकोट में रहे हों, उनके जज्बातों के शोले तो भड़केंगे ही। एक तो यहाँ पर हमारी सीट बेल्ट लग नहीं रही है। दुनिया की कोई भी बेल्ट लगा लो, आपको अगर पूरी आ गई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये लीजिए जिल्ले लाही, ये लीजिए। ये क्या, ये चुन्नी क्या बांध रहे हैं आप? समझदार को इशारा काफी होता है जिल्ले लाही। अगर कोई राखी बांधे तो बहन, और अगर कोई दुपट्टा बांधे तो लहन दहन दहन दहन। कहने का मतलब क्या है? आप मुझे प्लीज सही मत समझिएगा आपा, मेरा गलत मतलब ही था। मेरे को ना टॉयलेट लगी है, प्यास कहाँ है? ए तू दो चीजें एक साथ गलत बोल रही है। हाँ ये तो 100 चीजें एक साथ गलत बोल रही है, सबसे पहले इसको समझा तू। तो एयरहोस्टेस सापा उड़ाओ, नहीं तो मैं इधर मचा दूंगी स्यापा। अरे अरे सपना यार, ऐसे कैसे, सेफ्टी भी तो कुछ होती, अगर मुझे कुछ हो गया तो? इतने सालों से तेरा हुआ कुछ? तू तो शुक्र कर तो इतने तेरा कुछ हो रहा है, नहीं तो आजकल लॉकडाउन में कहाँ हो रहा है कुछ। मैं सच बताऊं, मुझे अभी करो ना बेबी डॉल में सोने दी। वाओ अब कितना अच्छा गाती हो। तुझसे पूछा किसी ने कितना अच्छा गाती है? उसके लिए जज रखे ले हमने, वो बताएंगे कितना अच्छा गाते है। एक्सक्यूज मी एयर होस्टेस, मुझे प्यास लगी जरा पानी। या 10,000 फीट नीचे है, जाके पी लो। ए, क्या हवाई जहाज उड़ चुका है? हाँ। अरे हमें तो लगा अभी तक जमीन पर है। हाँ, ये होता है असली कलाकार। हाँ। कितना भी उड़ जाए लेकिन जमीन पे रहते हैं। एक हमारी अर्चना जी, अच्छा 4 एपिसोड बैक टू बैक कर ले, जाके पति को पीट देती हैं। अरे प्लेन उड़ गया क्या? हाँ, हाँ। अरे तो पहले बताने का ना, मेरे को अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डालने का था। अरे तो अभी डाल दे। नहीं फोन खराब है। तो खराब फोन लेके क्यों चली है? अरे कभी कभी ऐसा रहता है, खराब चीज ना साथ में लेके चलनी पड़ती है ताकि अच्छी चीजों को नजर न लगे। कुछ समझी नहीं समझी ना? तो फिर काहे को आती है शूटिंग पे? कितना बोलती हैं आप बड़े मुंह वाली आपा। हा? आपको पता है जितना मेकअप करके आप लड़की लगती है ना, इतना तो हम एकदम से जब उठते हैं तभी लगते हैं। मैं सच्ची बता रही, इधर चलते हम लोग को किधर नहीं जाने का, चलो चलो चले। हाँ चल चलो, hands up करने का सब लोग को, hello hello सब hands up, ये प्लेन हाईजैक हो गया है क्या? हाँ, ये तेरी किताब में लिखा है क्या? फालतू गिरे नहीं करने का आप उनके साथ। हाय, हमें तो ये सच का किडनैपर लगता है जिले लाही, हमें इस कहर से बचाइए, आपकी मर्दानगी दिखाने का वक्त आ गया है, इससे भिड़िए, इससे लड़िए। लगता है साड़ी पहनने का वक्त आ गया है, पायलट चूड़ियां निकालो, शुरू करो। भाई साहब आपने अच्छे नहीं गया, आप मुंबई नहीं आ सकते। हाँ तो आप भी मुंबई नहीं आ सकती। हाँ देखा, हम दोनों मुंबई नहीं आ सकते, हम लोग को ड्रॉप कर दो ना रस्ते में प्लीज। तेरे को ड्रॉप मांगता है? दिमाग पता था, दिमाग का कोटा था, दूरा नहीं करने का। बोले तो एक मिनट, सोनू सूद को मैं ट्वीट करती है। हाँ हम लोग प्रॉब्लम में, हम लोग को घर भेजो। अरे वाह, सोनू सूद का रिप्लाई भी आ गया। आगे, 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 बोले घर जाने, तैयार हो जाओ, सब लोग घर जाएंगे। चलो 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 चलो। अरे तो बोला ना एकदम सीरियस, जो अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा वरना एक एक को अपुन भून डालेगा, समझा? मुझे ज्यादा मत भूनना, डॉक्टर ने भुना और तला मना किया है।
अरे वो तंदूर वाला भुना नहीं है, ये बंदूक वाला भुनने का हम लोग को गोली मार देगा। कहाँ फंस गए हैं हम, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। आपने हमें खाई कहा, आइए आपको खाईलैंड की सैर करवाते हैं। खाईलैंड टूरिज्म आपका स्वागत करता है। ख्वादी काम, ख्वादी काम। बस मार दो यार, तुम हमको मार दो, मार दो हमको। ऐसे कैसे मार दे भाई साहब। आपको क्या चाहिए हमसे, बताएं क्या चाहिए, क्या? 10 करोड़ चाहिए आप उनको। इधर एक साल से मैं 1 करोड़ मांग रही है, मेरे को आज तक नहीं मिला। तू 10 करोड़ मांग रहा है, वो भी 10 मिनट किताब पढ़ने का। हाँ, अगर आधा घंटा किताब पढ़ता तो सोनी टीवी से शेयर भी मांग लेता। जी, लोग यहाँ खड़े खड़े शेयर कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े हमें सब्सक्राइब ही कर दीजिए। आप चुप रहिए वरना आपका बेल आइकन तोड़ देंगे अब। ये क्या किया आपने? ये जो आपने कमेंट किया उसको लाइक कर रहे हैं। कैसा किडनैपर है तू, हैं? इधर देवदास चल रहा है और मुकेम्बो बन के खड़ा है तू। ए, मेरी माँ, अब उनको पहले तो ये बता, तेरी देवदास में मुकेम्बो किधर से घुसा? बोल। तू बस इसी चीज में लगा रहे कि देवदास में मुकेम्बो कहाँ से घुसा, जोधा अकबर में रोमियो जूलियट कहाँ से घुसी। मुझे लगता है तू जैसा परफॉर्म कर रहा अगले गैग में तू नहीं होगा, बता रही है मैं। अरे ऐसा ऐसा नहीं। एक मिनट भाई साहब, गन में कुछ लगा है, गन में कुछ लगा है, दिखाइए। गन हमारे हाथ में लगा है और अब तुम्हारे माथे पे लगा है। वाओ, गन, प्लीज मैं एक सेल्फी ले लूं प्लीज। गन के साथ? बिल्कुल, हम भी पाउट करेंगे, हमारी भी फोटो लीजिए। चलिए हाथ ऊपर कीजिए, चलिए उधर जाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा। मैं भी आऊं क्या थोड़ा सा? सारे हाथ ऊपर करो, चलो। तू, तेरे से गन संभाली नहीं जाती क्या? अगली बार ऐसे गलती की ना, सबसे पहले तेरे को ठोकेगी, समझा क्या? एक सेकंड, आप बाली इसके साथ जा रहे थे? दीदी को बताना पड़ेगा। ए, तू चुपचाप ना सीधी खड़ी हो जा, नहीं तो दीदी तेरा देवर दीवाना कर दूंगी, समझी क्या? सारे सीधे खड़े हो जाओ, चलो। कुछ भी कर, चलो। शाबाश चीते, शाबाश। ये कौन है? शाबाश चीते, शाबाश। बहुत अच्छे। ए, बहुत अच्छे की कैप्सूल। क्या रे? हाँ, कौन है तू? कौन है बोल, रोकू क्या? अबे अपना दोस्त ही समझ। क्या बात कर रहे हैं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आय हाय। आ, दुश्मन है। मेरे को बोझा बोल रहे थे ये। ये देखो, ठंडे पहाड़ों का ऊद बिलाव। ये अर्चना जी, इसको बताओ, ये बोझा जहाज के अंदर नहीं, जहाज की डिक्की में डालते हैं। चलो ये, अच्छा ये भी जहाज में सफर कर रही है। अर्चना जी, लोकल ट्रेन में टीसी आ जाए ना तो बाथरूम में लोटा बन के छिपती है ये। इधर आओ, जहाज में सफर कर। अर्चना जी, आप जाते हैं बिजनेस क्लास, हम जाते हैं इकोनॉमी क्लास, ये मामा क्लास में आते हैं। जहाज में और ये इधर। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारे नाम पे तो जहाज चल रहा है। तो देख लीजिए, अच्छा जी, बदला भी हो गया, चापलूसी भी हो गई। अब आते हैं मेन काम पे। इनसे पैसे निकलवा, ये गन मुझे दे। इनको मैं संभालता हूँ भाई, तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ, प्रॉमिस एकदम। हाँ, चलाते कैसे हैं? देख, इसको ऐसा करने का, ऐसा करके ऐसा तानने का, ऐसा तान के दिखा, ऐसा। बस बेटा, मेरे दोस्तों को किडनैप करेगा तू? हैं? नहीं नहीं, एक मिनट दे, एक मिनट दे माइक, ये ले, मार दे हम लोग को, मार दे, मार दे, आ जा, मार दे। नहीं तो पता क्या, जिंदगी भर बोलेगा तुम लोग को बचाया था और 100 एपिसोड में बुलाओ हम लोग। मार दे, अपुन मार दे। ओ माय गॉड, ये क्या है? क्या है? पैर, जिससे हम बहुत अच्छा भागते हैं। तू किधर भाग रहे हो? किधर भागो, भागो। सबसे पहले मेरे को बता किताब में क्या लिखा था। अरे अपुन को, अरे अपुन किधर जाए? सब निकलो। आपको तो पता ही है कि सोनी जो है वो टेलीविजन के साथ साथ
सोनी लिव ऐप के जरिए जो है वो बड़ा ही लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बड़ी खूबसूरत फिल्में बना रहे हैं, बड़ी खूबसूरत कमाल की वेब सीरीज बना रहे हैं। एक बड़ी कमाल की वेब सीरीज आई है अवरोध, जो हमारी इंडियन आर्मी ने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, ये उस पे आधारित है। सो अवरोध की जो लीड कास्ट है आज वो यहाँ पे हमारे मेहमान बन के आ रहे हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर अमित साध, नीरज कबी, दर्शन कुमार एंड मधुरिमा तुली। वो आपकी बड़ी चुम्मियां जा रही हैं, आप जानती पहले से? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वाह क्या, मैं आपको सलूट करना चाहूंगा। क्यों? एक हंगल साहब से लेके अमित साध तक इनको कौन नहीं जानता। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप चारों, आप यहाँ विराजमान हो जाइए, आइए। आप चाहे इधर आ जाओ मधुरिमा, आप चाहे मैं यार अच्छा लगूंगा। चलिए चलो। नहीं दर्शन जी, एक काम करिए, जैसे भी आपको देख लो। मधुरिमा यहाँ बैठो। किधर? मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ ये बैठ। मैं कपिल जी का शो ले लेती हूँ, आज मैं होस्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे यार दर्शन यहाँ बैठ जाए। आपका डिसाइड होगा तो हमें बता देना कौन कहाँ बैठ रहा है। आप नाराज मत हो यार, ठीक है चलो। आप चलो यार, जहाँ जिसका मन करता है मधुरिमा आप यहाँ बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, आपका शो नहीं छोड़ूंगी, आपके पास बैठ जाती हूँ। थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट बेट। अच्छा सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है आपको सोनी लिव की सीरीज में काम करने के बाद, जो आपको कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला है, आपको कैसा लग रहा है? आज भी मुझे जब पता चला कि सोनी लिव पे आ रहा है जी, और पता चला कि आपके पास आएंगे इसलिए साइन किए। बिल्कुल, वेरी नाइस, जैसा समझाया था इन्होंने वैसे ही बोला है। पाजी इसका पता नहीं कब से इंतजार कर रहे थे यहाँ आने का। मुझे याद है कि मैं मैरीकॉम एनएसटेन, उसके बाद मुझे लगा कि आप बुलाएंगे पर आपने बुलाया नहीं। पाजी मेरी मम्मी बहुत नाराज थी आपसे। क्यों? अरे मम्मी कहती हैं, अरे तूने क्या कपिल शर्मा की भैंस खोल के ले गया, भाई तो तुझे बुलाती नहीं है। मैंने कहा मैं जब नेक्स्ट आ जाऊंगा तो आपकी कंप्लेंट जरूर करूंगा, तो आप देख लो। आप सर मैरीकॉम वाले भी आए थे, एनएसटेन वाले भी आए थे, पर लेकिन क्या होता है कि पीआर वाले क्या करते हैं, अच्छा एक आर्टिस्ट इधर चला जाए, एक आर्टिस्ट उधर प्रमोशन कराए, तो उन लोगों को कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालनी होती, इसलिए अपना मुलाकात नहीं हो पाई। जी पाजी। सर हम आपके चारों के इतने बड़े फैन हैं, हम आपको देखते हैं दिन और रात, और जितनी खुशी आप हम सबको दे रहे हैं, हिंदुस्तान को दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। मेरा तो सपना था इस शो में आने का। क्या बात कर रहे हो, शो के जरिए मुझे, अवरोध के जरिए मुझे मिल गया। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, सबकी बहुत बड़ी फैन है, सारे जितने भी कलाकार हैं इसमें। मम्मी ही फैन है इसकी। मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, खूबसूरत लड़की है, अरे मेरी मम्मी आपकी बड़ी फैन है। अच्छा वैसे तो हमारे जो गेस्ट आते हैं मैं उनको चाय कॉफी फ्रूट्स वगैरह पूछता हूँ, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है, जस्ट प्लेस योर हैंड अंडर दिस वेरी, ये बॉटल हमने बाहर से मंगवाई, जस्ट ओ वाओ फील हो, काफी कूल है, गुआवा फ्लेवर, खा मत जाना गुआवा, अल्कोहल भी है, कहीं पी मत जाना। प्रोडक्शन का सैनिटाइजर है इसलिए इसे बांट रहा है, वरना इसके अपने वैन का जो सैनिटाइजर है ना, एक्चुअली वो भी प्रोडक्शन का ही है, जाने दे। आप तो बालों में भी लगाती हो, मैंने तो कुछ कहा नहीं। उनके मामा का लड़का आया था देहरादून से, उसको बोली तू इधर मत नहा, इधर आके सैनिटाइजर से नहलाया। हद होती है मतलब, चलो वो तो नहलाया ठीक है, दाल खिचड़ी में डालने की क्या जरूरत थी। मधुरिमा आपका नुकसान हो गया। क्यों? ये सब कोरोना का माहौल चल रहा है, नहीं तो मैं आपको हक देता एक। जबरदस्ती गले पड़ रहा है। नहीं मिस हो गया मेरे से। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं हुई, पर आपकी तो हो गई ना, कोई फायदा भी नहीं है वैसे भी। और कोई एपिसोड देखे ना देखे, शादी मेरी सबको पता हो गई। अच्छा जिस सब्जेक्ट पे अर्चना जी ये सीरीज बनी है अवरोध, इसी सब्जेक्ट पे एक पहले फिल्म भी आई थी उरी, जो हमारी इंडियन आर्मी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उसके बारे में थी, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि इसमें फिल्म से हटके और क्या क्या खास देखने को मिलेगा। डिटेल्ड है ये, जैसे आपको आधे घंटे के हम 9 एपिसोड्स कर रहे हैं जी, तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है, जो उसका जो प्लानिंग स्टेज है, ना सिर्फ आप अटैक को देखते हैं बाकी इसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, गवर्नमेंट स्टेट एजेंसी है, और ऑन फील्ड आर्मी अटैक्स हैं, ये जो तमाम बातें हैं ये आपको देखने को मिलता है। ओके
तो आप चारों उसमें क्या क्या कर रहे हैं सर? मेरा जो किरदार है वो माइक टैंगो है. माइक टैंगो ने लीड किया था स्पेशल फोर्सेस. ओके, सो द होल सीरीज इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. या ऑन उरी अटैक्स. एंड हमारे राइटर हैं शिव और राहुल, जिन्होंने किताब लिखी है इंडियाज मोस्ट फेयरलेस, जिसके दो पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट वन पार्ट टू. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मोस्ट सेलिंग बुक्स इन इंडिया. एंड अमेजिंग थिंग क्या है, राहुल और शिव जो है इन्होंने बहुत मेहनत करके लोगों से मिलके आर्मी के साथ काफी यू नो मुलाकात करके दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन टू ऑथेंटिकेट इट. सो हमारी जो सीरीज है अवरोध, इट्स बेस्ड ऑन वन चैप्टर फ्रॉम इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पार्ट वन. पर बड़ी अच्छी चीज है अर्चना जी, आजकल जो वेब सीरीज का दौर चल रहा ना, बड़ा डिटेलिंग में भी काम होता है. और मतलब मेरी प्रॉब्लम है एक बाजी, मैं जो भी देखता हूँ एक ही गो में देखनी पड़ती है. बिंज वाचिंग बोल जी. एंड कपिल भाई, दर्शन बहुत अमेजिंग रोल कर रहे हैं, मेजर रौनक का रोल है. जी जी, मुझे मुझे मैं मेजर रौनक गौतम प्ले कर रहा हूँ, जो सिक्स बिहार रेजिमेंट्स हैं. और ये हम साथ में ही, जो ये उरी पे जो अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हम साथ में ही जाते हैं और आपको पता ही है उसके बाद कैसे क्या हुआ. तो वो पूरी स्टोरी है, जर्नी है इसके अंदर. तो ये मेजर का रोल जब आपको सुनाया गया, आपको सच में रोल ज्यादा अच्छा लगा था? आपने ये सोचा कि कंटीन से दारू सस्ती मिलेगी? सब लोग तेरी जैसे नहीं सोचते. हाँ, वो एक इंटेंशन थी, वो भी था और ये भी था, कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा. ये सोनी पर आ रहा है. सो वो भी था और मम्मी को भी खुश करना. ये शो सोनी लिप पे लाए इसीलिए. अच्छा अर्चना जी, आपने देखा होगा लॉकडाउन में दो ही लोग दिख रहे थे. कौन? सड़कों पे सोनू सूद और वेब सीरीज में अमित साध. ये दो इतना दिखे हैं, मतलब अलग बात है. सोनू सड़कों पे दिख रहे थे, लोगों को घर भेज रहे थे, और ये जो ऑलरेडी घर बैठे उनको एंटरटेन कर रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. और अवरोध के अलावा इनकी तीन वेब सीरीज और आई हैं. मैंने सब देखी है अमित. थैंक यू, आई लव यू मैम. तो आपकी वेब सीरीज में डिमांड ज्यादा है कि फिल्म वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे आपको? इतना पर अच्छी बात है, वेरी गुड. हमें तो खुशी होती है यार, हमारा भाई काम कर रहा है. और सडनली आप छा गए हो. या थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू सर. यू नो अमित की जर्नी इतनी टफ रही है, जो तुमने उतार चढ़ाव देखे पर्सनल लाइफ में और फिर प्रोफेशनल लाइफ में, बट द फैक्ट इज दैट यू रीइन्वेंटेड योरसेल्फ. कुछ लोग जो है आपको हमेशा याद रहते हैं, और आप दो चीजों में आप लोगों को याद रखते हो. या अगर आपको किसी ने अच्छा खाना खिलाया, यू नो मैं तो उन्हीं लोगों को याद रखता हूँ जो मुझे खाना खिलाया अच्छा, या जिन लोगों ने आपको बिना कारण मोहब्बत दी और आशीर्वाद दिया यार प्यार. तो मुझे अर्चना मैम की एक ही इमेज याद है आज भी, कि जब भी लोग मुझसे नाराज हो रहे थे या मैं भी कुछ गलत कर रहा था, अर्चना मैम हमेशा कहते थे तुम करते रहो मेहनत. wow. तुम कुछ करोगे, तुम कुछ. शी ऑलवेज ब्लेस्ड मी, शी वाज ऑलवेज नाइस टू मी. बिल्कुल अमित पाल ने बिल्कुल सही कहा कि हम दो चीजों से याद रखते हैं, या तो आप किसी के साथ बहुत खुश रहे हो अच्छा एक्सपीरियंस, या बुरा. जैसे सिद्धू जी भी आपको बड़ा याद करते हैं. अब ये नहीं पता कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा. अच्छा मधुरिमा को आप सब जानते हैं, इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बड़े खूबसूरत रोल किए हैं, जैसे बेबी, नाम शबाना, हमारी अधूरी कहानी, बहुत सारी फिल्में. मेरे को एक इतनी खूबसूरत लड़की को देख के ना मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि शो आगे बढ़ाऊं कि बात आगे बढ़ाऊं, ऐसे मतलब तू शो ही इसलिए करता है. हाँ, ताकि थोड़ी बात बढ़ा सके. मैंने सुना आप वैसे बेसिकली देहरादून से हैं. हाँ जी, मैं देहरादून. हाँ जी मैम, आई एम फ्रॉम देहरादून. आई नो, आपको देख के मुझे लगा देहरादून में ऐसी लड़कियां भी होती. नहीं तो हमने तो भारी भरकम मैंने कहा हृष्ट पुष्ट मोहतरमाएं देखी है. हालांकि जब आप देहरादून से नई नई आई थी, कांचा चीना के साथ जो डांस किया आप भी. मैम अकेली, आप आई थिंक अकेली लड़की थी पूरे लड़कियों के स्कूल में. आई थिंक इन द बॉयज हॉस्टल यू वर द ओनली गर्ल. दैट्स व्हाट आई. बॉयज हॉस्टल में पढ़ी हैं आप? मेरे को पहले ही शक था. नो मधु, परमीत सर को आपने लव मैरिज हुई थी कि किडनैप किया था आपने बॉयज हॉस्टल से? कि बाजू मरोड़ के हमने सुना है, हमने तो किससे सुने, कहते बाजू मरोड़ के ट्रेन में बिठा लिया था. फिर बाकी चलो, बाकी तो चलो ठीक है. नीरज सर, आपको सबको पता है कि कितने कमाल के एक्टर हैं, तलवार और हिचकी जैसी सफल फिल्मों में इतने कमाल के और सीरियस करेक्टर किए हैं. आपको देख के भी लगता है कि आप इतने ही सीरियस हैं एक्चुअली, है ना? तो सच्ची में आप सीरियस एक्टर हैं या आप पे लोन ज्यादा है? आई मीन पर ना, नहीं नहीं पर मेरे ख्याल से दोनों बातें सच है आपकी. पर कभी आपको कॉमेडी रोल ऑफर हो सर, आप करेंगे? अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब मुझे ऐसा ऑफर आए.
अमित पाजी, हमने सुना अवरोध के लिए आपने काफी वजन बढ़ाया, 18 किलो। एक्चुअली वजन नहीं बढ़ाया, बढ़ाया है बट अच्छा। सोच वजन बढ़ानी नहीं थी। जब मेरे को ये रोल ऑफर हुआ था जी, मैं उस समय गोल्ड पिक्चर खत्म की थी जिसमें मैं हॉकी प्लेयर हूँ। अच्छा जी। सो आई प्ले रघुबीर प्रताप। सो हॉकी में क्या मसल कम होती है, पतले दुगले होते हैं, राइट। सो और जो हमारे डायरेक्टर है राज, उन्होंने लाके तस्वीरें दिखा दी स्पेशल फोर्सेज के। स्पेशल फोर्सेज वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, यू नो, दे डू व्हाट अ बटालियन डस, यू नो। सो फिर वो ट्रेनिंग शुरू की एंड अराउंड 72 था, 89-90 तक आया, तो अराउंड 16 किलो वजन बढ़ाया। बट वजन नहीं बढ़ाया, ताकत बढ़ाई, ट्रेनिंग की। जो एक मनस्थिति होती है, जो एक साइकी होती है, राइट, एक फौजी की, एक पैराट्रूपर की, एक मरीन की, एक स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की, उसको आई थिंक 0.0001% तक के महसूस करने की कोशिश की। वाह, यू नो, एंड क्या बात है, पर इतनी डिटेलिंग में आप सोचते हैं उस कैरेक्टर के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। पर मैं, मेरा सवाल ये था भाई, जैसे आपने वजन बढ़ाया जी, तो जैसे किसी एक्टर को बोला जाता है कि आप इस कैरेक्टर के लिए मान लो थोड़ा बॉडी बनानी है वजन, तो आप अपना खर्चे बढ़ाते हैं कि प्रोड्यूसर के खर्चे पे? मैंने ये इसलिए पूछा, अर्चना जी को एक फिल्म के लिए 30 किलो बढ़ाना था, तो ये सूटकेस लेके प्रोड्यूसर के घर शिफ्ट हो गई थी, तो प्रोड्यूसर के घर के 6 मेंबर थे, सबका 5-5 किलो कम करके निकली है ये। उस हिसाब से नॉलेज ले रहा था मैं। पर एनीवेज, दर्शन, आप सबने देखा है इनको, मैरी कॉम में देखा है, सरबजीत में देखा है, NH10 में देखा है। पाजी, मैंने देखा आपने बॉडी बड़ी अच्छी बनाई है। थैंक यू पाजी। पूरे 6 बिस्कुट जो निकाले हैं आपने जी पाजी। हाँ, पर मैंने देखा फिल्म में ऐसा होता ना कि रोमांटिक वेंटिक सीन आपका कभी हुआ नहीं है, आज तक मैंने देखा नहीं है। हाँ। तो आपने कभी किसी डायरेक्टर को बोला नहीं ये जो मैंने 6 बिस्कुट बनाए हैं ये मैंने चाय में डुबो के खाने के लिए बनाए, मेरे को ऐसा कोई रोमांटिक भी दो कुछ? पाजी, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, NH10 में देख के मुझे इतने खूंखार लगे थे आप, मिलके इतने प्यारे लगे हैं, इसका मतलब ये एक्टर कितने कमाल के हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है सर आपके लिए। थैंक यू भाई। बट सो ये एब्स का किस्सा जो है, मुझे याद है वो एक आपने मैरी कॉम में सीन देखा होगा जब मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ और प्रियंका मुझसे बात कर रही है। तो क्या हुआ कि प्रियंका को खोलना था, मुझसे बात करना, मुझे थोड़ा सा बाहर आना था, तो एब्स वगैरह दिखे, तो उमंग सर बोले नहीं 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 ये बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, ये एब्स वेब्स नहीं दिखाने, इतनी ये अच्छी बॉडी नहीं दिखानी है। तो प्रियंका बोले ठीक है, तो बोले बस 1 सेकंड के लिए खोलना और वहीं से बात कर लेना ताकि ये बाहर ना आ पाए। तो प्रियंका मुझे कान में बोलते हैं डोंट वरी, मैं 2-3 सेकंड के लिए खोल दूंगी, जितनी मेहनत की वो दिखेगी, और उसने किया मेरे लिए। सो तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता प्रियंका का जेस्चर। वैसे हमने नीरज सर के बारे में भी सुना था, एक बार ये भी वजन करने के चक्कर में एक बार ट्रेडमिल पे बेहोश हुए थे। तो सर आप इतना भागे थे इसलिए बेहोश हुए थे? किसने बताया कि मैं बेहोश? सर, वी हैव ए ह्यूज टीम ऑफ रिसर्चर, 1 पर्सन हमारा। हाँ, ये शिप ऑफ थीसियस एक फिल्म मैंने किया था, उस वक्त ये मैंने कुछ 18 किलो मैंने घटाया था वजन, और उस वक्त जब मैं जिम में गया तो वहां ऐसे ट्रेडमिल्स होते हैं, तो एक और जना वहां पर आए जो काफी बुजुर्ग थे, तो मैं उस वक्त इतना पतला हो चुका था और इतना वीक हो चुका था कि मेरे कंधे झुक गए थे, तो मैं ऐसे ही चल रहा था धीरे धीरे करके। तो ये जो आए मेरे पास, ये कुछ 80 साल के 70 साल के थे, पता नहीं ये कौन, शायद आर्मी वाले होंगे, और वो बिल्कुल ऐसे डीट चल रहे हैं और मुझे ऐसे देख रहे कि तू यहाँ आया कैसे? खुद आए तो छोड़ गया, ये तेरे जैसे के लिए नहीं है ये ट्रेडमिल। और देखते देखते मैं वहीं बेहोश हो गया। और मैं ये बातें इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ ताकि कभी कभी होता ना कि लोग बोलते कि अच्छा ऐसे ही कर लिया होगा हंसी मजाक में, एक एक्टर की लाइफ जो होती है, मैं सर सैल्यूट आप सबको, बहुत मुश्किल होता है। और थैंक यू भाई, मतलब हम तो खुद अपने लिए ही वजन कम कर लें या बढ़ा लें बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है मधुरिमा का एक सपना था कि ये इंडियन क्रिकेट टीम में आए। रियली? सर मैं सिलेक्ट हो गई थी स्टेट लेवल के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर मेरा पूरा करियर ही चेंज हो गया, बिकॉज मुझे आया ऑप्शन कि मैं मिस उत्तरांचल में पार्टिसिपेट करूं। अच्छा। मिस एंड मिस उत्तरांचल। उत्तराखंड है उत्तरांचल? उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल था ना। ओ, उस टाइम उत्तरांचल का उत्तराखंड। स्कूल आप भी मिस करती होंगी काफी, बंक करती होंगी क्लास। मुझे पता है मेरा ही स्टेट है। आई लव यू मैम। वो आपका स्टेट रजिस्ट्री आपके नाम, मेरे को पता है। अच्छा, तो आप क्या बता रही थी? हां जी, तो मैं ट्रेन में बैठी थी, हम लोग जाने वाले थे नैनीताल। अच्छा। और सडनली मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया मिस्टर मिस उत्तरांचल के लिए, सो प्लीज कम फ्रॉम टुमारो।
मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैं लिटरली ट्रेन से उतर गई और मैं चली गई उसके लिए. सो आई गॉट यार टू ऑप्शंस, तो मैंने ये चूज कर लिया. ईश्वर जो करता है सही करता है. ऊपर से जब ऐसी लड़कियों के मुंह से मैं सुनता ना, मैं ट्रेन पे चढ़ी, मैं पता नहीं कितने साल ट्रेन में सफर किया, मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिली. मैं हमेशा ही ना, मैंने हमेशा ही सोचा है कि टिकट रिजर्वेशन आपस, अगर मैंने कहीं किसी का नाम ये भी देख लिया ना कि सुमन, वो भी लड़का ही निकला. आ गई छोटे मुंह बड़े होठ वाली. ये क्या है ये सब? स्पेशल इफेक्ट्स. स्पेशल इफेक्ट नहीं है ये, रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट है. जो कॉमेडी सर्कस हमने किया था ना 15 साल पहले, आज तक झेल रहा हूँ मैं. मेरे को पता नहीं था इतना लंबा चलेगा ये. आप बताओ, मेरे से बेटर कोई होता तो ये बदल ना देता अब तक. ओहो क्या ये सब? देखो हम जब एंट्री लेते हैं ना तो पाउडर उड़ते हैं. साफ साफ बता, घर के ही लोग हैं, आटे की चक्की पे काम करती है ये. लेट लेट के आती, घर आके झाड़ती है रात की रोटी तैयार. सच बताया कर, सच, ऑनेस्टी का जमाना है. तो हम आर्टिस्ट ना रोटी के नहीं प्यार के भूखे होते हैं. ओके अमित जी, आप इन्हें समझाएं कि मतलब उड़ान के लिए पंख नहीं हौसला होना चाहिए. वाह वाह, पंख हौसले, चिड़ियों के अंडे किडनैप करके रैंसम मांगने वाली लड़की. उन्हें अंडों का ऑमलेट खाने वाले इंसान. दो दस दस रुपए, ये नहीं जाएगी, पैसे नहीं जाएगी. पैसे की कमी नहीं है. ओके मधुमा जी, मैं आपको बताऊं, मेरे वीडियोस पे इतने लाइक्स आते हैं कि उन लाइक्स को काउंट करने के लिए मुझे अकाउंटेंट रखना पड़ा. वही अकाउंटेंट डिलीट करके गया इसका अकाउंट. नॉर्मली क्या वीडियो पे लाइक का कैसे निशान आता है? ऐसे ना, इसके ऐसे आता था नीचे कि हटो तुम. क्या करती थी बताओ? देखो इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. ओके टेक्निकल तो बहुत है ये. इंस्टाग्राम का फिल्टर निकाल के उसकी कॉपी बना के पी गई. क्या करी थी आप? सॉरी. ओके तो स्टार्स मूवीज और शोज, इनके डायलॉग्स और इनके गाने सब चलते हैं, हमें लिप सिंक करना होता है, बाकी तो लोगों का बस वाह-वाह हो जाता है. मतलब जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, अर्चना हंस के लाखों ले जाती वैसे. वैसे देखो इट्स अ सीरियस बिजनेस. ओके और मेरे इतने फॉलोअर्स है दर्शन जी कि मुझे अब वीडियो शूट करने के लिए मुझे स्टूडियो लेना पड़ा और अब वहां पे सेट्स लग जाते हैं. सेट बड़ा तूने मुगले आजम का लगाया, एक मोबाइल का कैमरा और एक पाउडर की डिब्बी और सड़क पे कहीं पे भी शूट कर लो. सड़क से काम करके हमने घर बनाए हैं. थैंक यू कपू, सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू तेरे लिए नहीं, ये था, ये उनके लिए जिन्होंने घर बनाए हैं. तू भाड़ा जमा कर इस महीने में, खोली से बाहर निकाल देगा रोशन. खोली क्या बताए, इतना पुराना रिलेशन है. ये फेक आईडी बना बना की वीडियो बनाती है, पकड़ी जाएगी किस दिन तू देखना. कोई आईडी अपने माँ के पेट से फेक पैदा नहीं होता. उसे फेक बनाते हैं ऐसे लौंडे लपाड़े जो एक लड़की की हाय के लिए तरसते रहते हैं. तो मेरा इंटरव्यू कब लोगे? तुम एक काम करो, जिस दिन तुम फ्री हो बताना, मैं मेरा मैनेजर तुम्हें फोन करके मना कर देगा मुंह पे. नीरज जी वैसे मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ करना हो तो किसी की मत सुनो. गुरुजी कौन तेरा? गुरु चेला ग्रो, इनका ट्रेनों में चैनल उठते हैं ये. इंटरव्यू लो, तेरी कोई बेस्ट विशेस नहीं लेता, तेरी इंटरव्यू कौन लेगा? Excuse me? मैं एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हूँ, तुम्हें पता नहीं. सर मैं आपको बताऊँ, आपकी मूवी मैरी कॉम के लिए डायरेक्टर सर ने मुझे भी कास्ट किया था. हाँ, एज ए प्रॉप, जिसमें प्रियंका मुक्के नहीं मारती थी, उसके अंदर यही थी. एक्टिंग तो एक्टिंग है. Exactly. तो क्या एक्टिंग एक्टिंग होती है, और मैं इन सबकी एक्टिंग की इतनी बड़ी फैन हूँ. मतलब क्या एक्टिंग करते हैं आप लोग, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लाइक यू आर सो गुड. लॉकडाउन में वैक्सिंग नहीं करवा पाई, बहाने बहाने से बता रही मेरी वैक्सिंग करवा दो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे. किसी बेहुदा बातें कर रहा है कपू. वो तो है, अभी यही चल रही है 7 साल से, क्या करें. क्यों तंग कर रहे हैं मेरे मेहमानों को? अरे मुझे कुछ करियर की बातें करनी. अब सर मुझे ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करना है. सो अंधेरी स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म पे काम था वो बंद हो गया. मैं अंधेरी स्टेशन कब गई? अच्छा सॉरी सॉरी, वो तेरे ग्रैंडफादर थे. ये विटी स्टेशन पे जाती है. आई मेरे को याद आ गया. एक सेकंड, लॉकडाउन में मैं लोगों की मदद करने जाती थी. कौन सी मदद होती है? लोगों घर में जाके कटोरियों में सैनिटाइजर मांग के लाती, ये मदद होती है? अरे जान से हाथ धोने से अच्छा है दूसरे से मांग के हाथ धो लो. वाह मैसेज अच्छा है. मैसेज कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया. तो सो एक्चुअली ना मैंने आपके ड्राइवर को ना बाहर अपना नंबर दिया है, तो अब शो के बाद ना आई वांट टू स्पीक टू, मुझे आपका गाइडेंस चाहिए कि मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने पैर जमा सकती हूँ सर, प्लीज. लेकिन ड्राइवर को समझा देना, अच्छी गाड़ी देख के ड्राइवर के साथ भी भाग जाती है. उस हिसाब से आप देखना. कैसी बकवास बातें करो सर, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनना. मैं चलती हूँ, लेकिन सर आई विल वेट फॉर योर कॉल. हाँ सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो.
किस्मत होती है अपनी अपनी लोगों की, देख लो 4.5 मिनट गिन के लगाए लाखों ले गई। भाई मैं कुछ ये ना एक्चुअली बेसिकली जो आपके फैंस हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप भी नॉर्मल आदमियों जैसी हरकतें करते हैं, उनके ये सवाल है तो मैं आपको ये यस नो दे देता हूँ, आपको यस नो बताना है और अगर आपने वो चीज की है तो आप वेरी गुड आइडिया। ओके तो आपने बताना है कि आपने वो किया है कि नहीं किया है। बिना बुलाए किसी पार्टी में मजे करने पहुंचे हैं आप? बचपन में। बचपन में आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप बचपन में गए थे के? नहीं पाजी, जब यहाँ बिगिनिंग में बॉम्बे में आया था तो यू नो रोज खिचड़ी बनाने पे, कुछ खाना बनाना आता नहीं था तो सिर्फ उसी पे काम चल रहा था। तो जुहू में एक शादी चल रही थी। अच्छा। तो फुल एड का ऑडिशन था तो सूट वूट पहना हुआ था बड़ा, तो लगा अब तो हम तो फुल बारात में आए हैं, आए अंदर हाथ वाथ जोड़ के जो लपेटा है पाजी हमने वहाँ, मतलब हो सकता है कि अगले एक हफ्ते का खा लिया हमने वहाँ पर। और उसके बाद जब हम निकल रहे थे मेरे दोस्त की फरमाइश, बोले देखो एहसान फरामोश हम नहीं हो सकते, हम आए हैं हम जरूर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा के जाएंगे। सो पाजी हमने फोटो भी खिंचवाया। वो आज तक देख रहे होंगे, आज देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे नहीं हमारी साइड से था, वो वाले बोले नहीं हमारी साइड से आया था। तो कर चुका हूं ऐसा। अच्छा कभी ऐसा हुआ जल्दबाजी में गीला कपड़े पहन के निकल गए हूं? कभी कभी होता ना गीली शर्ट पहन गए, गीली पैंट पहन गए, जैसे पांडे तो एक दिन गीला अंडरवेयर पहना फिर ड्रम बजा रहा था उठ उठ के। कभी कभी होता है गीले गीले कपड़े पहन के आते हैं, वो देख लो मैं मजाक, ये तो होती है चीजें। वो देखो, वो देखो, ये दो सोबर लोग हैं। कहाँ कहाँ अमित पाजी कहाँ पहना था? कहाँ नहीं है? और आपने? पाजी कई पहले बहुत कम कपड़े होते थे यू नो लिमिटेड, हाँ तो वो धोने पड़ते थे, फिर कई बार नहीं सूखते थे, ऑडिशन के लिए कॉल आ जाती थी तो फिर अंडीज भी और जो भी जो प्रेस वेस किया जैसे किया बस निकल जाते थे पहन। सेम है। टीशे में देख के अपने आप को अजीब अजीब से मुंह बनाए कभी? I'm sure everybody's done this. यार इतने सीरियस कमाल के एक्टर सब ऐसे हरकतें करते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं, आपने कभी किया है? ऑफ कोर्स, आज तक करती हूँ मैं। मैं भी करता हूँ। ओके कभी खुद अपने बाल काटे? ये तो मुझे लगता है अभी हुआ होगा शायद। मैंने तो अभी वैनिटी वैन में काटे अपने बाल। आपका तो सिस्टम अलग है ना, तो पैसे बचाती हैं, नहीं तो प्रोडक्शन ने तो आपको दिया ही था बंदा एक। मुझे ऐसा लगता है कि अब वापस हाइजीन को और जो भी SOPs हैं उनको मद्देनजर रखते हैं हेयर स्टाइलिस्ट्स और जो लोग हेयर काटते हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हेयर स्टाइलिस्ट जो है, बहुत जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। बड़ी प्यारी बात कही आपने अमित पाजी। That's true, what you said, Amit. Yeah. छोटे बच्चों वाली बातें भी कई बार लोग लिख के भेज देते हैं। पिज्जा का मसाला बोलते हैं हथेली पे लेके चाटा है। ये क्या बात हुई? और पिज्जा का क्या मसाला होता है यार? वो जो आते हैं साथ में वो मिर्ची मिर्ची आती है। आई थिंक जो चीज भी आ जाता है हाथ में उसको ऐसे लेके सारा जो देख लो सारे एक्टर जितने मर्जी स्टार बन जाए सारे हरकतें करते घर के। अच्छा आप लोग यहाँ पे आए हैं तो जो भी पॉपुलर होते हैं लोग एक्टर स्टार्स है ना तो कुछ इल्जाम जो है उन पे लगते रहते हैं, तो हमारे कुछ वकील हैं जो आएंगे आप पे, यहाँ पे एक अदालत लगेगी। अच्छा। तो आप पे इल्जाम लगाएंगे तो अगर आपकी इजाजत हो तो कार्रवाई शुरू की जाए। जी पाजी। ओके ले आया जाए भी टॉप की अदालत। तो टॉप की अदालत में आप सबका स्वागत है और आपका ज्यादा स्वागत है क्योंकि अदालत लगाई आपकी वजह से है। तो अर्चना जी, जी आपने कभी सोचा था कि जिस बंदे को आप 8-8 नंबर देती थी वो आपके सामने जज बन के बैठ जाएगा? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। तो अर्चना जी आज आप में और मेरे में एक सिमिलैरिटी है जो इस शो ने हमें दी है। दाढ़ी? नहीं, कुर्सी। कुर्सी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं किसी की छीन के नहीं बैठा। और आप डिजर्व करती हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो बिल्कुल छोटे जज को छोटे तो कार्रवाई शुरू की जाए। बिल्कुल शुरू की जाए। वकील साहब ये अदालत है, आपकी फूफी का लेडी संगीत नहीं चल रहा यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ दलील चलेगी। हाँ। अर्चना जी अगर यहाँ पर सिर्फ दलील चलेगी हाँ। तो ये दलील यहाँ पे कैसे चल रहा है? थोड़ी इज्जत करो यार, मैं जज हूँ। हाँ। ये जज है? हाँ।
अगर ये जजे तो ये घिनौना खेल मैं नहीं खेल रहा। अच्छा। बलवंत राय की डॉगी, तुमको किसने बनाया जज? किसने बनाया जज? कप्पू शर्मा ने। सर आप क्या लेंगे? चाय, ठंडा कॉफी, जूस, गन्ने का जूस? सर बताइए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। मुकदमा शुरू करो। मुकदमा तो मैं शुरू करूंगा, लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना 5 किलो का नमस्कार ऑफर करता हूँ। 5 किलो क्यों आप सोच रहे होंगे? I'll tell you. Oh, wow. सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। और दर्शन जी, आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, मानिएगा जरूर जी। आप ना कभी भी बहुत दूर मत जाइएगा। क्यों? ये बहुत दूर जाएंगे तो ये दूरदर्शन हो जाएंगे। मधुरिमा तुली, एक बात बताइए, आप कभी पंजाब जाती हैं तो वहां पर आप मूली के पराठे खाती हैं या तुली के? पहले अमित शाह, मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूंगा। आपको तो पता अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे के सारे मर्द अपने घर पे झाड़ू पोछे कर रहे हैं, तो आप अपने घर पे क्या करते हैं, झाड़ू पोछे या काय पोछे? नीरज काबी जी, एक मिनट, मैं आप लोगों के साथ ये हंसी डिटोली कर क्यों रहा हूँ? क्यों? मैं यहाँ पे आप लोगों पर इल्जाम लगाने आया हूँ, और मैं भी देखता हूँ आप लोगों को कौन बचाता है। Love you guys. अवरोध मेरा बच्चा है तू, अर्चो मेरा बच्चा है तू। Love you जाकी दादा। Love you. आम पक गया अभी भी कच्चा है तू, और चैनल का फालतू खर्चा है तू। समझा? कमीज से बात करो, मैं जज हूँ यार। आइचा गावा जज है तू? हाँ। मैं इधर नहीं रुकूंगा। कौन से कोटे में जज बना है ये? कप्पू कोटे में। लव यू, जोश खिलाओ, शकरकंदी खिलाओ, लपड़ झंडूस खिलाओ, सब खिलाओ इसको बड़ो। तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, तेरा मुंह तोड़ देना मैंने। हाँ, अब क्या टर्न टर्न कर रहा है? हिम्मत है तो फोन उठा। हेलो सर, WHO। अच्छा, मैं आपसे एक बात जाननी थी, ये जो सैनिटाइजर होता है इसमें से अल्कोहल निकालने की रेसिपी आप बताएंगे? फोन काट दिया, बताओ। प्याज काट के दो मेरे को, एक आध पैक बैग लगाओ। ओहो हेलो, अरे मेरे सारे फेवरेट आए हुए हैं। कैसे आप लोग? कर क्या रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मैं चलती अदालत में अवरोध डाल रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? डबल एक्सेल सनी देओल। एक मिनट, मैं इस अविरोध का विरोध करता हूँ। देखिए, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप लोगों की ये बातें सुन के कहीं मुझे क्रोध ना आ जाए। पहले तो बाल वापिस करके, चुड़ैल बार रो रही है। ये जो कह रहा ना अदालत की, ये इसकी कब्जी की वजह से निकल रही है, मिमिक्री नहीं कर रहा ये। देखिए, अच्छा चुड़ैल की माँ के बाल तूने छीने, ये बंदे नहीं हटते भी। ऑर्डर ऑर्डर, इस कोर्ट का जज होने के नाते मैं आपको तो बोलता हूँ, चलो आप तो निकलो बाहर, चलो। ओए, किसी अर्दली के ड्राइवर के भांजे के दोस्त, मेरी बात सुन, तेरे को जज किसने बनाया बे? ए, मैं बताता हूँ आपको, इसको कप्पू शर्मा ने जज बनाया है। आए दिन कप्पू शर्मा को फोन करता रहता है, ये बना दो वो बना दो, पीछे पड़ा हुआ है ये। ए, झूठ बोल रहा है ये, कप्पू शर्मा इसका फोन ही नहीं उठाता। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने तो एक कुत्ता पाला हुआ है। अच्छा। कि जब भी ये आए इसको काट लेना। कुत्ता भी डायरेक्ट नहीं काटता, उसने आगे बिल्ली रखी हुई है। बिल्ली को कहता है जब भी आए उसके नाखून मारना, बिल्ली भी डायरेक्ट नहीं मारती। अच्छा। उसने आगे चूहा रखा हुआ है, कहता जब भी आए इसको कुतर देना। समझ में आया तेरे को? कुतरिया मुझे कही के, चल यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट विद यू, शट अप। जज बनने आगे कुछ पता है नहीं, करना क्या है। बैठो इधर, सारा सैनिटाइज जहाँ पे बैठना वहां पे कर दिया, वो तो मैं करके आया हूँ, और तूने यहाँ पे कर, तभी तू यहाँ जज बन के घूम रहा है तू। डेमोशन बेवकूफ कहीं का।
मधुरिमा जी, आपका दर्शन करके मैं नीरज नीरज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। और नीरज जी, आपका अमित करके मैं मधुरिमा हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप घूम फिर के मधुरिमा पे ही आ गए। मधुरिमा का भी बोलो कि घूम फिर के मेरे पे आ जाए। मैं क्या सैनिटाइज नहीं हूँ क्या? प्रॉब्लम मेरी क्या हुआ? मैंने एक बोतल पी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना टली नहीं हुआ जितना इनको देख के मैं तुली हो गया। मैं तो कहता हूँ मधुरिमा जी, आप और मैं मिलके एक फिल्म करते हैं। हाँ। तुली नंबर वन। ऑर्डर ऑर्डर। ए अंकल बहुत कमाल है, मालूम है अंकल बहुत नपी तुली बातें करते हैं। नीरज जी, मेरा एक सवाल था आपसे। अगर कोई लड़की आपको कॉफी पे बुलाती है तो आप नीरज से काम लेते कि धीरज से काम लेते? वाह वाह वाह। मैं तो दर्शन जी को देख के बड़ा हैरान हूँ। ये तो काफी लंबे चौड़े हैं। तो पर लोग क्यों कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे? दर्शन तो बड़े निकले। आप अदालत का वक्त जाया मत करो और आप यहाँ पे आया मत करो। फालतू में बकवास कर रहा है, मेरी बात सुनिए। ये सारे जिम शिम वाले बंदे हैं। हाँ। इनका पीछा किया कर। ये लोग क्या अंडे का वाइट वाइट खा के ना येलो फेंक देते हैं। हाँ। उठा लिया कर, तेरा लंच हो जाएगा। बकवास कर रहा है। जाओ साहब, मैं आपका ध्यान केस की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ओके, आकर्षित मतलब? आकर्षित, ये तो भैंस का दूध निकाल रहा तू। अरे अट्रैक्ट। अच्छा अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मेरे को पता है, मेरी दादी को हुआ था। यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया था, फिर उनका ऑपरेशन हो गया, आंखों में अट्रैक्ट था, प्रॉब्लम था उनको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों पे इल्जाम लगाना चाहूंगा। मेरा सबसे पहला इल्जाम इन लोगों पर ये है कि ये अपने वेब का शो प्रमोट करने यहाँ इस शो में तो आ गए, लेकिन हमारे शो को प्रमोट करने के लिए अपने वेब पे हमें क्यों नहीं बुलाते? बड़ो, मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा। एक मिनट। हाँ। ये अदालत है, यहाँ पर जज को बीड़ू नहीं माय लॉर्ड बोलते हैं। मेरे को जब बीड़ू अच्छा लग रहा है, तेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तू बताओ बीड़ू बोलो यार, काम होना चाहिए। बिना ऑडियंस के शूटिंग हो रही है ना, जज को मेरे। कोई बात नहीं, मेरा गलती हो गया। बीड़ू माय लॉर्ड है तू। बीड़ू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म अलग है, वो प्लेटफॉर्म अलग है। अच्छा, देखिए, अगर ये प्लेटफॉर्म पे जैसे गाड़ी आती है, ये प्लेटफॉर्म की गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकती है, उस प्लेटफॉर्म की इस पे आ सकती है, तो मतलब हम क्यों नहीं जा सकते? मैं बताता हूँ येड़ा अंकल। येड़ा नहीं, बीड़ू। हाँ, बीड़ू, बीड़ू। अच्छा। बीड़ू अंकल, वो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, हमारा टीवी का प्लेटफॉर्म है, और इनका OTT का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, वाह, अच्छा 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 तर्क है, लेकिन क्या फर्क है? फर्क है बड़ो के यहाँ पर जो नहीं बोल सकते और जो नहीं कर सकते वो सब OTT पे होता है। अच्छा। मधुरिमा जी, मुझे आपसे OTT वाली बात करनी है। जज साहब, ये आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं हद से आगे बढ़ रहा हूँ और तू जो अपनी नाभि से भी आगे बढ़ रहा है, तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं? इतना खा खा के इसकी नाभि फ्लोर फेसिंग हुई पड़ी है। मैं गेस्ट से बात करना चाहता हूं। नीरज साहब, मैंने देखा है आलोक में आप शादीशुदा थे, फिर भी आपका बाहर अपना OTT चल रहा था। वो आपका OTT मैंने इतना देखा, इतना देखा, मेरा आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा 25 GB डाटा जो है खत्म हो गया। 25 GB डेटा कैसे खर्च हो सकता है? उसको रिवर्स करके एक महीना देख लगातार बार बार, तेरा 30 GB खत्म हो जाएगा। बकवास कर रहा है। क्या देखो, गलत मत समझो मुझे, वो बात सुननी थी एक्चुअली। वो जो लड़की इनको कहना चाह रही थी, तो अदालत ये जानना चाहती कि वो लड़की कहना क्या चाह रही थी। सही बात बोला बेड़ो, बेड़ो माय लॉर्ड है तू। अरे क्या बेड़ो माय लॉर्ड, माय लॉर्ड का बेड़ो, ये चल क्या रहा है? आप लोग कैसे भटक रहे हैं? मैं भटका नहीं हूँ, मुझे मधुरिमा तुली भटका रही है। ये केस पानी की तरह साफ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये एटीट्यूड क्या दिखा रहा है? पहले भी कह चुका हूँ का क्या मतलब है? दोबारा क्या? जब तक मुझे समझ में नहीं, चल तेरी यही सजा है। चार बार बोल, हाथ खड़ा करके चल। सच में बोल, बोल। ये गैस पानी की तरह साफ है, ये गैस पानी की तरह साफ है, ये गैस पानी की तरह साफ है, ये गैस पानी की तरह साफ है। लेकिन तेरी बगलों का केस काफी नीचे कर, नीचे कर। डर्टी फेलो यार, ये तो गंजी बगल वाला एकदम।
हाँ कुछ है नहीं, इधर झाड़ लगा, झाड़ लगा, ऑक्सीजन आएगा। समझा? खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक केस वहीं पे खड़ा है, आपने मुझे बताया नहीं। अगर ये यहाँ आ सकते हैं तो हम इनके वेब पे क्यों नहीं जा सकते जज साहब? वो सब तो ठीक है, पहले मेरे को ये बता गंजी बगलों वाले, ये वेब होता क्या है? मैं बताता हूँ, देखिए जैसे हमारा टीवी में शो होता है ना, इनकी वेब में सीरीज होती है। तेरे को बड़ी पता है ये होती, आता क्यों नहीं फिर उधर? बकवास कर रहा है, फिर सीरीज आ रही है तो कितने लोग खेल रहे हैं? धोनी है, कोहली वगैरह है। सीरीज? ये क्रिकेट सीरीज नहीं है, वेब सीरीज है। उसके लिए आपको सोनी लिव का पैक लेना पड़ता है। अच्छा पैक तो ले लेंगे, लेकिन फेस पे लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं तो कितनी देर तक धो सकते हैं? मेरे को खाली साहब, ये अदालत है, शकुंतला ब्यूटी पार्लर नहीं है। बात समझ में ही नहीं आ रही है आप लोगों को? बार बार पूछ रहा हूँ, अगर ये यहाँ आ सकते हैं, हम वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते? जबकि हम दोनों जो प्लेटफॉर्म है उन दोनों के मालिक एक ही है, सोनी सोनी सोनी। नहीं, ये सोनी टीवी है, वो सोनी लिव है। मैंने पकड़ लिया बेड़ू। क्या? ये सोनी टीवी का सोनी लिव के साथ लफड़ा चल रही है, तभी ये लोग सोनी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये लफड़ा है बेड़ू, मैं टाइगर को बताऊंगा, लफड़ा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओटीटी वाली, और मेरी बात सुन, तू चिल्लाना छोड़। ये भी सारी उम्र ऐसे चिल्लाते थे, जुबान अभी तक लटक रही है उनकी। और तू बकवास नहीं करना, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ओटीटी वाली बातें कर रहे हैं, दिस इज ओपन एंड शट केस। आप जब चाहे प्रमोशन करने यहाँ आ सकते हैं, लेकिन तुम लोग वहां पे नहीं जा सकते हो। बस आप चाहे तो मेरे घर पे भी रहने आ सकती हैं। शुक्रिया। आई विल गिव यू माई होल सैनिटाइजर, विल यू बी माई क्वारंटीन? देखिए भैया, अदालत में फालतू बातें बहुत हो रही है। नीरज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप झारखंड से हैं, तो बीइंग ए जज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि झारखंड वालों को श्रीखंड सस्ता पड़ता है? ऐसी कैटेगरी का एक सवाल मैं भी नीरज जी आपसे पूछना चाहता हूँ। तो नीरज काबी जी, मुझे बताइए, जैसे हमारे शरीर में ये नाभि होती है, तो आपके पेट में नाभि है कि काबि है? एक मेरा भी था नीरज जी। अरे यार। कहिए कहिए। आप जब घर में जाते तो ताला में चाबी डालते है कि काबी डालते? देखिए, सारी दलीलों को सुनते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमसे नहीं हो रहा। आप खुद डिसाइड कर लो, आपके ऊपर जो इल्जाम लगे ठीक है कि नहीं। मैं आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले, लॉन्ग आप अपना घर से लेके आए, मैं ड्राइव ले आऊंगा, माइक्रोवेव में गर्म करके लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, मेरा तो ये कहना है। एक बार जोरदार तालियां अवरोध की पूरी टीम के लिए। थैंक यू। अमित, मधुरिमा, नीरज सर, दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पे आए। होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बहुत एंजॉय किया। ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है हम लोग बिना ऑडियंस के कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना मजा आया आप सब आपके साथ बातें करके कि टाइम का एक्चुअली पता नहीं चला। थैंक यू सो मच अर्चना जी, और एक बार जोरदार तालियां वंस अगेन। थैंक यू। और हम सब यही चाहते हैं कि हर इंसान के चेहरे पे मुस्कान हो, हर घर में खुशी हो, बीमारी हारे और हमारी जीत हो। इसीलिए कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रह के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, शब खैर, गुड बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।